अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। खत्म हो जानी चाहिए ये, लेकिन बुराइयां खत्म की कैसे जाए, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं है। एक क्लास में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ा तो क्या रहते थे, वो भी थे और ये भी थे, दोनों को ये गलत फहमी थी, एक को गलत फहमी थी कि ये पढ़ा रहे हैं, दूसरों को थी कि पढ़ रहे हैं, कुल मिला के दोनों थे। तो उन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया, बच्चों खड़े हो जाओ, बोलो बड़े होकर शराब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, लड़कियों के पीछे नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, दे देंगे, ऐसी जान का करेंगे भी क्या। नहीं, बुराइयां खत्म लोग करना ही नहीं चाहते। जैसे एक लड़का कमरे में, वैसे पता नहीं जैसी लोगों को इश्क होता है, हाथ में धूम्र दंडिका आ जाती है और उसका धुआं छोड़ते हुए उसे लगता है जैसे महबूब से बातें कर रहा हूं। अब इन ख्यालों में भूल गया कि पिताजी कमरे में आ गए हैं। और अचानक कोने से दिखा कि पिताजी हैं तो तुरंत जेब में डालिए। अब जैसे जेब में डाली, अब धुआं तो अपना रास्ता ढूंढ लेता है, धुआं हो या इश्क हो रास्ता तो ढूंढ ही लेता है। अब पिताजी सिगरेट, सिगरेट भी नहीं, तो बोले धुआं कैसे आ रहा है, बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। कैसे बुराई खत्म की जाए, बुराई खत्म होती नहीं है ना इसलिए। लेकिन आज है दशहरे का दिन, विजयदशमी का दिन। ये दिन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है कि हमने रावण दहन कर दिया, ये दिन कुछ सीखने का है, ये दिन कुछ सिखाने का है, ये दिन कुछ महसूस करने का है, ये दिन अपने आप से ये कहने का है कि बाहर के रावण के पुतले तो हम हजारों जला देंगे, लेकिन हमारे भीतर जो रावण हैं, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, हमारे भीतर जो गंदगी का एक असुर है, हम उसका दहन कब करेंगे, हमारे समाज की गंदगी को कब समाप्त करेंगे। ये दानव असुर और दैत्य जो इंसानों के भेष में चारों ओर घूम रहे हैं, इन्हें कब खत्म करेंगे। आइए आज प्रण लें कि हम हर बुराई का खात्मा करेंगे इस विजयदशमी के दिन। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, इस खूबसूरत जिंदगी और अच्छाई के लिए कहिए वाह भाई वाह। और हमारे साथ हमारे तीन मेहमान हैं जो आज इस स्पेशल एपिसोड में हैं और काफी स्पेशल हैं। ये जो साहब बैठे हैं, इनका नाम जो है, इसका अर्थ जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं भी आपको सूचित करूंगा। इनके नाम है अंतु झकास, अंतु झकास। अंतु जी के दांत बहुत वर्ष पहले इनसे विदा लिए, लेकिन अंतु जी ने कभी भी उन दांतों को बदलवाया नहीं। उन्होंने कहा जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहना चाहिए, निकलते चले जाएंगे, मैं नकली नहीं लगवाऊंगा। क्या बात है अंतु जी, मतलब ये बड़ी बात है। इधर अंतु झकास है, इधर ये कवि झकास है। ये वेद प्रकाश है जो दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं और व्यंग के बड़े जबरदस्त कवि हैं। वेद प्रकाश अपने मनमौजी व्यक्ति हैं। मैं इनकी सच्ची घटना सुनाता हूं, इनकी हाजिर जवाबी देखो आप। इन्होंने पिछले दिनों लगभग अपने जीवन में 168वीं बार छोड़ी। कि हर थोड़े थोड़े दिन में कहते मैंने छोड़ दी, तो उस दिन सचमुच छोड़ी भी थी। और एक पार्टी में गए तो वहां गेंदे के फूल लगे हुए थे, गेंदे के फूल आप समझते हैं, तो उन फूलों को देख के कहने लगे कि आज तो फूल भी कह रहे हैं पीले। ये है वेद प्रकाश जो हमारे बीच में है।
वेद प्रकाश और अंतु के बीच में जो बैठी हैं वो प्रोफेसर निशा भार्गव हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाती रही, जीवन का अर्थशास्त्र उन्होंने कविताओं में समझा, वो नोएडा से हमारे बीच में आती हैं, ये वाराणसी मध्य प्रदेश से हैं, ये दिल्ली से हमारे बीच में है। आइए इन तीनों के लिए कहते हैं वाह भाई वाह। और आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, चूंकि आज विजयदशमी का दिन है, दशहरे का दिन है, और दशहरे के दिन पे एक बड़ी खूबसूरत कविता लेके हमारे बीच में आते हैं वेद प्रकाश। तो मैं बिना किसी समय को नष्ट किए बुलाना चाहता हूँ वेद प्रकाश को, आए और हम उनके लिए कहें वाह भाई वाह। आइए वेद प्रकाश। सबसे पहले मैं आप सबको विजयदशमी की दशहरा की बधाई देता हूँ। अभी जिक्र कर रहे थे अंतु जी का कि उन्होंने नकली दांत नहीं लगवाए, लगवाते भी तो अभी कोई फायदा नहीं होता, डॉक्टर वो भी नकली लगा देता। बड़ी गहरी बात कह दी है, वाह। अभी तो विजयदशमी का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन में सभी बोर हो गए थे अपने अपने घरों में पड़े पड़े, तो रावण भी बोर हो गया, उसने सारे बच्चे पास बुलाए और बोले मेरा चित्र बनाओ। बच्चों के बनाए हुए चित्र देखकर रावण के सारे माथे चकराए, क्योंकि बच्चों ने सबके सब मुंह अलग अलग बनाए। वाह वाह बहुत बढ़िया। और दशहरा पर रावण दिल्ली आया। अच्छा। हर त्योहार पर जैसे अपने बॉस को गिफ्ट देने जाते हैं वो भी आया। अच्छा। हाँ, तो उसका क्या हाल हुआ, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया, अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति वो दशानन आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गए। हाय हाय, दशानन आनंद फानन में क्या बात है। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति वो दशानन आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, टैक्सी करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। हाय हाय वाह बहुत अच्छे। निराश मायूस लंकेश चेहरे पे उदासी मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया, बोला भाई साहब आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए, त्रेता में नाक काटने से चले थे कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वाह 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 वेद वाह बहुत बढ़िया। त्रेता में नाक काटने से चले थे कलयुग में जेब काटने पर आ गए, वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। अच्छा। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरस जाऊंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। हाँ। मैंने कहा चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी, जा मैं इंतजार कर रहा हूँ तू खाकर आ। अच्छा। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। अच्छा, कपड़े और मुंह। हाँ। मैंने कहा क्यों रावण कपड़े क्यों उतार लिए, बोला उतार नहीं लिए ढाबे वाले ने उतरवा लिए। अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुआसा हो गया पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए, कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर हेड, अरे वाह। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए, पर अब मुझे कोई गिला नहीं है, अब मैं ये ही सोच कर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल क्या होता बात है। तो मेरा क्या हाल होता। क्या बात है वेद, ये कविता की ताकत है कि कितने खास अंदाज से और कितने प्रतीकात्मक तरीके से आपने राजनीति पे भी कटाक्ष किया और देश के हालात पे भी कटाक्ष किया। सचमुच जेब कट जाती है और खाना खाने जाओ तो ऐसा ही हाल होता है, लेकिन रावण की बात चली है और मुझे अंतु झकास याद आ गए। मतलब माफ करना, ऐसा मत समझना कि मैं कोई आप दोनों को मिला रहा हूँ, अब
कोई भी आदमी किसी भी वक्त किसी भी चीज पे याद आ सकता है। तो अंतु झकास जी, हम आपको दिल से याद कर रहे हैं, जो पीले जूते पीले कोट पहन के आप ये जो शानदार चेहरा लेके बैठे हैं, जरा यहाँ आए और जोरदार तालियां बजाएं अंतु झकास जी के लिए। ना जुदा काम आएंगे, ना जुड़े काम आएंगे। अच्छा, ना जुदा काम आएंगे ना जुड़े काम आएंगे। ना जुदा काम आएंगे, ना जुड़े काम आएंगे। दांत जब टूट जाएंगे, मसूड़े काम आएंगे। अरे बहुत अच्छे, वाह, दांत जब टूट जाएंगे मसूड़े काम आएंगे, वाह। निगाह सुमर ये जरा एक बार उन निगाहों से फिर देखो, ऐसी सुमर निगाहों से मुझे ना देखना पगली। जब जवानी साथ ना देगी ये बूढ़े का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अंतु झकास भाई, वाह वाह। जुस्तजू, हाँ जुस्तजू तुमसे थी मिलने की कई सालों से, तुमसे मिलना सुखद एहसास नजर आता है, और दूर से देखने में क्या खास नजर आता है, पास आकर देखो तब झकास। पास आकर देखो तब झकास नजर आता है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में डिब्बा भले ही आपको पुराना लग रहा हो। फिर से बोलना, कौन से दौर में? ग्लोबलाइजेशन के दौर में। वाह, क्या बात है, मतलब आपके मुंह से ग्लोबलाइजेशन ऐसा निकला है जैसे किसी रेगिस्तान से समंदर निकल गया हो, मतलब क्या बात है जी। ये डिब्बा भले ही आपको पुराना लग रहा हो, पर माल अपन इसमें टनाटन रखते हैं। हाय हाय, रोज नियाही पे सर रखते हैं, हम लोहार हैं, पत्थर का जिगर रखते हैं। हाय हाय, वाह। तो ये शेर एक दिन मेरी पड़ोसन ने सुना, मेरे पास दौड़े दौड़े आई, बोले झकास जी मुझे आपका जिगर चाहिए। मैंने कहा मेरे जिगर का क्या करोगी? बोले मैं उस पर करवा चौथ का नारियल फोड़ूंगा। अपुन ने भी चार पंक्ति दी उसको कि दिल हमारा लोहे का पत्थर का जिगर है, जिसका ना टूटने ना फूटने का डर है, अरे तू भी शर्मो हया के सारे बंधन तोड़ डाल और मेरे पत्थर जैसे जिगर पे अपने करवा चौथ का नारियल फोड़। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया अंतु भाई, वाह। वाह, मुझे बड़ी खुशी होती है जब बेहद छोटी सी जगह से कोई कलाकार कोई प्रतिभा हमारे बीच में आते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अंतु झकास को आज पहली बार टेलीविजन पर लाते हुए मुझे बड़ी खुशी है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वारा सिवनी से हमने अंतु झकास को ढूंढा और यहाँ तक लेके आया। इतने मस्त आदमी है, खुद पे हंसना जानते हैं। मैंने पूछा, अंतु जी बात बात चले कोई तकलीफ तो नहीं होती? भाई साहब वैसे तो कुछ नहीं होती है, बस सुबह जब खाने का कौर जब मुँह में डालता हूँ तो कौर को तकलीफ होती है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे चबाया जाएगा या डायरेक्ट निगला जाएगा। लेकिन अंतु झकास गमों को निगल लेते हैं, परेशानियों को चबा लेते हैं और मुस्कुराहट से हमारा स्वागत करते हैं। क्या कमाल की महफिल है आज, ये विजयदशमी का दिन है, और विजयदशमी के दिन हम बुराइयों के रावण का दहन करते हैं, और जीवन में उदासियों के रावण का भी दहन करना चाहिए, परेशानियों के रावण का भी दहन करना चाहिए, गमों के रावण का भी दहन करना चाहिए, ताकि जो अग्नि प्रज्वलित होगी उस दहन से वो हंसी की होगी, खुशी की होगी। और आज हमारे बीच में हंसाने वाले तीन जादूगर हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कहता, पर लोग कहते हैं कि महिलाओं का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, विनोदवृत्ति कमज़ोर होती है, उनमें हास्य की समझ कम होती है। मैं माफ़ी देगा ऐसा नहीं मानता,
क्योंकि हमारी पत्नी हम पे रोज हंसती है, तो उसकी हास्य की समझ कम कैसे हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि जो हिंदी कवि सम्मेलनों में या मुशायरों में हमारी कवित्रियाँ शायरा हैं वो हास्य कम लिखती हैं, इसलिए जब कोई लिखता है तो उनको सुन के बड़ा अच्छा लगता है। निशा भार्गव जी हमारे बीच में है नोएडा में, आज मैं उनसे 20-22 बरस बाद मिला और मैं उनकी कविता पढ़वा चुका हूँ पहले टेलीविजन पर, आज से 20 साल पहले। वो नोएडा में रहती हैं और आज वो हमारे बीच में है और बढ़िया हास्य व्यंग की कविताएँ लिखती हैं। निशा जी अपनी उम्र को धता बताती हैं, वो लगना ही नहीं देती कि वो 70 बरस की हैं, न अपने अंदाज से न अपने वाचन से। मैं चाहता हूं जोरदार ताली से स्वागत करें निशा भार्गव जी का। आइए। शैलेश जी सबका परिचय दे रहे थे, मेरा परिचय भी दिया, मैं सोचती हूँ अपना परिचय खुद देऊं और उससे पहले आप लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दूं। औरतों को कोई चीज पसंद आती नहीं, इन्होंने परिचय दिया ठीक है, मैं अपना परिचय खुद दूंगी। क्या बात है भाई निशा भार्गव जी, वाह। जब से मैं बनी कवयित्री, मेरे पति बने हैं मेरे पहले श्रोता, बेचारे प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। पहले जब उन्हें एक कविता सुनाती थी, सच मानिए 100 रुपए देकर जान छुड़ाती थी। अब महंगाई का मारते हैं ताना, व्यस्तता का करते हैं बहाना, कहते हैं बहुत हैं काम, 500 रुपए होंगे कविता सुनने के दाम। अच्छा, मैं भी कवियत्री का पति हूँ, नहीं कोई नागरिक आम, तो मेरी मजबूरी आप भांप गए होंगे, 500 रुपए का भुगतान भी जान गए होंगे। मैं भी 500 रुपए प्रति कविता देकर कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ, क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का और 8-10 सुना जाती हूँ मुफ्त। मैं उनके खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं ताली। हाय हाय। साथियों, हम जानते हैं कि महिलाएं जीवन में आगे आगे और बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब सवाल आता है उम्र का तो काउंटडाउन करती हैं, कभी एंटी एजिंग क्रीम तो कभी एंटी रिंकल क्रीम मुंह पर मलती हैं। एंटी रिंकल में बता दूं, हमारे जो गांव में हमारे जो दर्शक हैं, जो हम अंग्रेजी भाषा से जो हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं, झुर्रियों को अंग्रेजी में रिंकल कहते हैं, तो एंटी रिंकल झुर्रियाँ हटाने का जो हथियार होता है वो। तो कभी एंटी रिंकल क्रीम मुंह पर मलती हैं, मानो उम्र का बढ़ना कोई गलती है। मैंने भी किया ऐसा एक प्रयास, देखिए मेरा क्या हश्र हुआ कि मैंने अपना 50वां जन्मदिन जानबूझकर 55 की आयु में मनाया। अच्छा, मैंने अपना 50वां जन्मदिन जानबूझकर 55 की आयु में मनाया, उम्र छुपाकर मजा तो बहुत आया, पर लोगों ने तब मेरा दिल दुखाया जब खाकर केक और मिठाई मुझे देने लगे 60वें जन्मदिन की बधाई। अब एक कविता आपको सुनाती हूँ जिसमें मैं आपको पैसे की तरफ ले चलती हूँ। अच्छा। जो खरीदता है गवाह और खरीदता है वकील, इंसाफ के सीने में ठोक देता है कील, हम करते हैं उसका बखान, जो कहलाता है कलयुग में सबसे महान, जिसकी वजह से इंसान इंसान में भेद है और जिसके कारण एक की कमीज दूसरे से सफेद है। पर मुझे खेद है, पर मुझे खेद है कि मैं नहीं दे रही किसी साबुन के विज्ञापन की सौगात, मैं तो कर रही हूँ उसकी बात जो बतलाता है सबकी औकात। जो समृद्धि का चिन्ह है एकदम भिन्न है, जिसके बिना सबका मन खिन्न है, वो पैसे का जिन्न है। वाह। इसके बिना सबकी हालत हो जाती है पस्त, इसीलिए कहते हैं ये चीज बड़ी है मस्त। इसी से है खुशी इसी से उमंग, यही कराता है भाई भाई में जंग, सच है सब पूछेंगे आप कैसे हैं, सच है सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं, यही है जमाने का दस्तूर, इसके बिना अपने भी हो जाते हैं दूर, पहचान कर भी बात नहीं करेंगे, हो जाएंगे मौन और इशारे से कहेंगे हम आपके हैं कौन। इसको पाने के लिए कोई करता काला धंधा, कोई मांगता है भीख सड़क पर बनकर अंधा, पर जो भी हो ये प्रभु बहुत गजब है और ये पैसा बहुत अजब है,
प्रभु बहुत गजब है, खाली हाथ भेजता है, खाली हाथ बुलाता है, जीवन भर पैसे के लिए रुलाता है, कभी चोरी तो कभी हत्या करवाता है, फिर उसके दरबार में ना चेक चलता है ना चलता है कैश, फिर भी अगर आप वहां करना चाहें ऐश तो कुछ नेकियां साथ लेकर जाएं, अच्छे कर्मों के खाते खुलवाएं, इसी से इंसान पहचाना जाता है कि किया कितनों का भला या दबाया कितनों का गला, इसी के मुताबिक होगा वहाँ इंसाफ के अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे या बनेंगे सांप, स्वर्ग का द्वार खटखटाएंगे या नरक के द्वार पर लड़खड़ाएंगे, पैसा हाय पैसा हाय पैसा की आखिर कब तक रट लगाएंगे, कब तक रट लगाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया निशा जी, पैसा हाय पैसा कब तक रट लगाएंगे और कुछ नेकियां साथ ले जाइए। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि हम बुराइयों का दहन करें, बुराइयों को चला दें और नेकियां अपने साथ ले जाएं। हम भी आपको साथ में कुछ दे के भेजना चाहते हैं, हंसी और मुस्कुराहट। तो हमारे पास जो हमारे सेगमेंट है बड़े कमाल के हैं, पहला सेगमेंट कहानी थोड़ी इल्मी है, फिल्म का एक दृश्य दिखाएंगे और हमारे कवि मित्र क्या बताएंगे, ये तो यही कहेंगे कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे अशोक कुमार साहब और प्रेमनाथ साहब, प्रेमनाथ साहब ऐसे बोलते थे डायलॉग, ओहो ये तो पत्नी है इनके, तो दूल्हा वाला बने हुए लिखते, इनको दूल्हे के रूप में देख के किसी को जान आता है? हाँ बोले वेद। वो मुझे शैलेश जी एक लॉकडाउन की सच्ची घटना याद आ गई इस दृश्य को देख के। वो पता होगा आपको, लॉकडाउन में बच्चों का और बुजुर्गों का शादी समारोह में जाना बंद कर दिया था। 85 गेस्ट रहेंगे, बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा था। हाँ तो वो एक बूढ़ा शादी में एंट्री कर रहा था, दरबान ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। बूढ़ा बोला शादी मेरी ही है। बहुत अच्छे। तो आज विजयदशमी के दिन मैं आपसे जाते जाते इतना ही कह सकता हूं कि कुछ भी कीजिए, रावण से एक चीज सीखिए कि जिंदगी में क्या नहीं करना है। रावण ने अहंकार किया, अंत हो गया। रावण ने विनम्रता नहीं रखी, अंत हो गया। रावण ने प्रभु की बात नहीं सुनी, अंत हो गया। रावण ने अति आत्मविश्वास रखा, अंत हो गया। रावण ने खुद को सबसे ताकतवर माना, अंत हो गया। जिंदगी में अपने कदम को धरती पर रखिए, अति आत्मविश्वास मत रखिए, अहंकार मत पालिए, विनम्र बने रहिए, स्वयं को सबसे ज्यादा ताकतवर मत आंकिए। तब जाते आते विजयदशमी के दिन मुझे एक शायर के दो शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि लू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे, लू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे सूरज। लू भी चलती थी तो बादे सबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे, आपसे भी पहले बहुत लोग थे साहब जो खुद को खुदा कहते थे। वाह भाई वाह।